क्या जमीनी दुश्मनों से ज्यादा अमेरिका पर आसमानी दुश्मनों का साया मंडरा रहा है? तो क्या अमेरिका के आसमान में दिखने वाली रहस्यमय चीजों से पर्दा उठने वाला है? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि 16 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को अज्ञात उड़ने वाली चीजों की सैकड़ों नई रिपोर्ट्स मिली हैं। लेकिन अब तक एलियंस के जीवन का कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। अमेरिका ने इसी साल जुलाई में अनुमोली रिजोल्यूशन ऑफिस डोमेन लॉन्च किया था। ये डोमेन आकाश, पानी और अंतरिक्ष में भी अज्ञात वस्तुओं को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। पिछले साल पेंटागन की यूएफओ यूनिट के बारे में पहले ये दावा किया जा रहा था कि इसे भंग कर दिया गया है, लेकिन ये यूएस नेवी के सहयोग से खुफिया तरीके से चलाया जा रहा था। नेवी इंटेलिजेंस के तहत जारी इस प्रोग्राम को अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स नाम दिया गया था। कुछ महीने पहले ही अमेरिकी नेवल इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर स्कॉट ब्रे और दूसरे टॉप अधिकारियों ने संसद की एक समिति को यूएफओ को लेकर बाकायदा जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया कि साल 2000 के शुरुआती दशक से ही यूएफओ के दिखने में इजाफा हुआ है। ज्यादातर मिलिट्री ट्रेनिंग इलाकों में यूएफओ को देखे जाने की रिपोर्ट आई है। अधिकारियों ने पैनल को बताया कि यूएफओ के साथ करीब 400 एनकाउंटर की रिपोर्ट भी सामने आई है। पिछले साल इस तरह की 144 रिपोर्ट्स दर्ज की गई थी, जिनमें से 80 को कई सेंसरों पर कैद किया गया था। अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि क्या ऐसी सच में कोई अज्ञात वस्तुएं हैं या चीन और रूस द्वारा अन्य संभावित विरोधी द्वारा इन अज्ञात वस्तुओं को उड़ाया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना के पास यूएफओ के होने या ना होने के सबूत नहीं है और ना ही ये जानकारी है कि आखिर आसमान में उड़ती चीजें कहाँ से आईं।